हेलो हेलो हिंदी के लिए। हेलो हेलो। हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और कभी कभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारे फ़ोन में जो ईयरपीस है ये कभी कभी वर्क करना बंद हो जाता है, जबकि अगर आप लोग लाउड स्पीकर में अपने फ़ोन को डालेंगे तब अच्छे से सुनाई दे सकता है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आपका माइक ही ख़राब हो चुका है, यानी कि हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी कभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। तो अगर आपके फ़ोन में इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हो सकता है, तो इसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा और इन टिप्स का आप एक एक करके फॉलो करते जाइए। किस टिप में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, ये है मेरा फ़ोन और इसी में जो ईयरपीस है वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं अभी कोई भी नंबर वगैरह डायल करके आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर, कोई भी नंबर 198 प्रेस करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कॉल है वो सक्सेसफुली लग चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टाइमिंग वगैरह है वो भी आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो अपना माइक है वो ईयरपीस के सामने लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी आवाज़ वगैरह फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लाउड स्पीकर में दे रहा हूँ आवाज़ आ रहा है। हिंदी के लिए दो दबाएं टू कंटिन्यू इन इंग्लिश। फिर से मैंने यहाँ पे लाउड स्पीकर बंद किया, कोई आवाज़ नहीं। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम वगैरह है कभी कभी हमारे शमी फोन्स में दिख रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, जो सबसे पहला टिप है, आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या पर्टिकुलर किसी नंबर पे कॉल करने के बाद ही ये प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सभी नंबर पे कॉल करने के बाद हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान को आप कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि वो नेटवर्क एरिया से यानी कि नेटवर्क कवरेज से बाहर है, इसीलिए आपका कॉल नहीं लग रहा है। इस तरीके का भी प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या एक ही नंबर पे कॉल करते वक्त इस तरीके का प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है या फिर सभी नंबर पे कॉल करते वक्त ही इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप पे आप ये देखिए कि क्या आपका कॉलिंग का वॉल्यूम फुल है कि नहीं, इसे आप किस तरह से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी नंबर पे डायल कीजिए, इसके बाद जो वॉल्यूम आप बटन है इसमें आप प्रेस करके रखिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कभी कभी जो वॉल्यूम बटन है वो डाउन होने के बाद भी इस तरीके का प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। तो आप ये देखिएगा कि क्या आपका फ़ोन का जो वॉल्यूम है, ईयरपीस का वॉल्यूम, वो हाई है कि नहीं। अगर आपका हाई है और फिर भी अगर आपका इस प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं होता है, तब आप लोग नेक्स्ट टिप फॉलो कीजिए। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है, अगर आपके पास कोई भी शॉमी का फ़ोन है तब आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अबाउट फोन में आना होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे जो कर्नल वर्जन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को 3 to 4 टाइम्स कंटिन्यूसली टैप करना होगा। और इसे जैसे आप लोग टैप करेंगे कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने एक हिडन मेनू आएगा। अगर आपके पास मान लीजिए शाओमी के अलावा कोई दूसरे कंपनी का फ़ोन है, तब आप लोग अपने फ़ोन के डायलर में आना होगा और यहाँ पे आप लोगों को एक कोड डायल करना होगा, *#6484#*#*। तो ये नंबर जैसे आप लोग डायल करेंगे सेम मेनू आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। तो ये मेनू आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है कि जो माइक टेस्ट है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर मैं शाओमी फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर पे है माइक स्पीक लूप, उसके बाद यहाँ पे कॉल टेस्ट, इसके बाद यहाँ पे सब माइक टू स्पीक लूप बैक। ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को चेक करना होगा कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आपके पास शाओमी के अलावा कोई दूसरे कंपनी का फ़ोन है, तब आप लोग फाइंड कीजिए कि ये तीनों ऑप्शन कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे माइक स्पीक लूप पे आएंगे, इसे टैप करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डीबी है यानी कि जो डेसिबल है वो 20 हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे 29 तक लेके जाना है। तो इसे हम किस तरह से लेके जा सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंपली ज़ोर से आवाज़ देना है हेलो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 29 आ गया है। और जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो माइक से वो आवाज़ आ रहा है, यानी कि माइक में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। अगर माइक ठीक से काम नहीं करता था तो यहाँ पे जो डीबी है वो नहीं जाता था, यानी कि ऊपर नीच नहीं होगा। और मैं अगर आप लोगों को मेरी माइक अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लोज पे लेके जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं कि मैं जो जो बोल रहा हूँ वो इस ईयरपीस से आवाज़ आ रहा है।
इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो ओके है ओके पे टैप करना है। इसके बाद आप लोगों को फाइनल यहाँ पे कॉल टेस्ट पे टैप करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेलो हेलो, और ये जो कॉल टेस्ट है इसमें क्या होता है कि आप जो माइक से बोलेंगे वो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे सुनाई देगा। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, तो अभी आप लोग सुन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो इस माइक से यानी कि इस ईयरपीस से आ रहा है आवाज़, यानी कि जो कॉल टेस्ट है वो भी सक्सेसफुल है। इसमें भी आप लोग ओके पे टैप कर देना। इसके बाद यहाँ पे माइक सब टू स्पीकर लूप बैक, इसमें भी सेम तरीके से आप लोगों को 29 डीबी तक लेके जाना है। हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 29 डेसिबल पे आ गया। इसके बाद आप लोगों को ओके पे टैप करना है। इसके बाद जो एक्सेलेरोमीटर वगैरह है इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो इसमें आप लोग सिंपली यहाँ से बैक कर देना है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पास पास पास, ये यानी कि ये माइक में पास आ गए, यानी कि माइक में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें पास नहीं होता है, फेल्ड आ जाता है, तब आपका जो माइक है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तब आप लोगों को सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ सकता है। सो गाइज, इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब सिंपली आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, यानी कि ऑफ कीजिए इसके बाद ऑन कीजिए। कभी कभी Xiaomi के फ़ोन्स में ये अक्सर होता है इस तरीके का प्रॉब्लम वगैरह, तब अगर आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करेंगे तब वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके ज़रूर से देखिए। सो गाइज, इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मेक श्योर कि आपका जो माइक है इसमें भी प्रॉब्लम वगैरह है, तो अब आप लोगों को कोई भी सर्विस सेंटर विजिट करके ही इस प्रॉब्लम को ठीक करवाना होगा। सो गाइज, ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ़ोन के प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं, आई बटन में उस वीडियोज़ का लिंक है, आप ज़रूर से जाके उन सारे वीडियोज़ को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।